नमस्कार दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों मैं हूं संतोष कुमार और आज बात करें दोस्तों एल हिट्स माउन टैबलेट के बारे में दोस्तों आज आपको बताएंगे एल हिट्स माउन टैबलेट का उपयोग किस बीमारी में किया जाता है साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे एल हिट्स माउन टैबलेट का डोज क्या है और दोस्तों इस टेबलेट की प्राइस क्या है और एलहिट्स मोन्टलेट का दोस्तों साइड इफेक्ट क्या है आपको सारी जानकारी दोस्तों इसी वीडियो में बताएंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों एलिट्स माउंट टेबलेट का फुल रिव्यू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आप सबसे पहले दे सके तो चलिए शुरू करते हैं एलिट्स माउंट टेबलेट का फुल रिव्यू दोस्तों एलिट्स माउंट टेबलेट की अगर बात करें तो एलिट्स माउंट टेबलेट एल्केम कंपनी के एक बेस्ट प्रोडक्ट है और अगर इस इस टेबलेट की दोस्तों कीमत की बात करें तो एलिट्स माउंट टेबलेट का प्राइस है दोस्तों एक सौ अड़तालीस रुपए जो दस टेबलेट के स्ट्रिप में आती है और दोस्तों एलिट्स माउंट आपको से किसी भी मेडिकल में उपलब्ध हो जाएगी तो चलिए दोस्तों में किया जाता है। दोस्तो, का एलर्जी, बार बार छीका ना और दोस्तों दमों में एलिट्स टेबलेट का उपयोग का काफी किया जाता है इसके साथ ही दोस्तों एलिट्स टेबलेट का उपयोग लाल खुजली वाले घाव त्वचा में सूजन और आगजाज बुखार में भी दोस्तों एलिट्स माउन टैबलेट का उपयोग किया जाता है तो चलिए दोस्तों आप बात करते हैं एलिट्स माउंट टैबलेट में कम्पोजिशन की दोस्तों एलिट्स माउन टैबलेट में अगर की बात करें तो इस टैबलेट में कम्पोजिशन है मॉन्टेलोकास्ट दस एम जी और लेबोसेटर्जिन पांच एम जी दोस्तों इस दोनों कम्पोजिशन का काम क्या हम अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे चुके हैं आप वहां भी देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों आप बात करते हैं एलिट्स माउंट टैबलेट की साइड इफेक्ट के बारे में दोस्तों एलिट्स माउंट टैबलेट की साइड तो इफेक्ट की, की, तो की, की बात करें तो इस टेबलेट की साइड इफेक्ट है गले में खराश भरी हुई नाक सिर दर्द मतली या उल्टी दोस्तों एलिट्स माउंट टेबलेट की साइड इफेक्ट है दोस्तों एलिट्स शेड्यूल एस एसडेक्स में आती है और यह डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ही बगैर इस टैबलेट को दोस्तों नहीं कर दें दोस्तों अगर एलिट्स माउंट टेबलेट की रिजल्ट की बात करें तो इस टेबलेट का रिजल्ट काफी एक्सीलेंट देखने को मिलती है मैं भी अपने पेशेंटों पे दोस्तों एलिस्टमोन टैबलेट का उपयोग काफ़ी करता हूँ और रिजल्ट एक्सलेंट देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा एलिटमोन टैबलेट का उपयोग एलर्जी सर्दी और दोस्तों मौसम परिवर्तन के कारण हुई एलर्जी या धूल धुआं धुलकन के कारण भी हुई दोस्तों अगर एलर्जी हुई है तो उस स्थिति में भी एलिट्रमोन टैबलेट का उपयोग काफी किया जाता है तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं एलिट्रमोन टैबलेट के डोज के बारे में दोस्तों इस टेबलेट को टेबलेट का उपयोग आप दो टाइम भी कर सकते हैं और दोस्तों अधिकतर इस टैबलेट का उपयोग रात में किया जाता है तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में ही इतना ही अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए